नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी बैंक पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती 2023 की अगर एग्जाम दी थी तो लगातार अब आपको चिंता सता रही होगी कि आखिरकार इस भर्ती का रिजल्ट आखिरकार कब तक जारी किया जा सकता है। वहीं पर लगातार अभ्यर्थियों के मैसेज और कमेंट थे कि सर रिजल्ट में हमें इतना डिले देखने को क्यों मिल रहा है, आखिरकार कब तक हमारा रिजल्ट ऑफिशियली जारी किया जा सकता है। तो दोस्तों कंप्लीट जानकारी ऑफिशियली इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कि आपका रिजल्ट है वो किस तारीख तक जारी किया जा सकता है। वहीं पर दोस्तों रिजल्ट में इतना डिले आपको देखने को इस बार क्यों मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों हाल फिलहाल में जो भी भर्तियां चल रही है उनका प्रोसेस बहुत फास्ट चल रहा है। लेकिन मेरे दोस्त सीआरपीएफ के प्रोसेस में ऐसी क्या दिक्कत आ रही है कि सीआरपीएफ का रिजल्ट रुका पड़ा है, सीआरपीएफ में 3 भर्तियां पेंडिंग में चल रही, तो आखिरकार ऐसा क्या कारण है, वो सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। वहीं पर लगातार अभ्यर्थियों का कमेंट था कि सर मेरे 40 नंबर बन रहे, मेरे 45 नंबर बन रहे, तो क्या 40 प्लस नंबर जिस भी अभ्यर्थी के उसका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। तो मेरे दोस्त आप आगे की तैयारी भी अब शुरू कर सकते हैं। कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। वहीं आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहते हैं। वहीं आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और कितने नंबर आपके बन रहे, ताकि दोस्तों हम आपको बता सकें कि आपकी कैटेगरी की कट ऑफ आपको कितनी देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों सबसे पहले हम वीडियो शुरू करते हैं। लगातार अभ्यर्थी रिजल्ट को लेकर के परेशान है कि सर रिजल्ट में हमें इतना डिले देखने को क्यों मिल रहा है। किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें तो रिजल्ट उनका या फिर दोस्तों उनका प्रोसेस वो बहुत फास्ट चल रहा है, चुनावी साल होने की वजह से मान सकते हैं, किसी भी कारणों से आप मान सकते हैं। लेकिन सीआरपीएफ में आखिरकार ऐसा क्या रीजन है कि इसके रिजल्ट को रोक रखा है, सीआरपीएफ का प्रोसेस वो रुका पड़ा है, 3 भर्तियां पेंडिंग में चल रही है। तो मेरे दोस्त सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की आपसे पहले एग्जाम हुई थी, उसका रिजल्ट भी अभी तक जारी नहीं किया गया और उसके रिजल्ट की वजह से मेरे दोस्त आपकी भर्तियां रुकी हुई है। जैसे ही उसका रिजल्ट जारी होगा आपकी भर्तियों का प्रोसेस तुरंत शुरू होने वाला है, क्योंकि उसके रिजल्ट में थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है, इस वजह से वो रिजल्ट ऑफिशियली जारी नहीं किया जा रहा है। लेकिन फिर भी बात करें, अभी तक न्यूज निकल करके आ रही है कि आने वाले 2 से 4 दिन के अंदर किसी भी समय सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और जैसे ही सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ का रिजल्ट जारी होगा उसके बाद में विद इन 1 वीक आपका रिजल्ट ऑफिशियली साइट पर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट साबित होगा। क्या दोस्तों, अक्टूबर के लास्ट वीक तक आपको इस भर्ती का रिजल्ट ऑफिशियली साइट पर देखने को मिलेगा। हो सकता है कल भी आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए, हो सकता है आने वाले 2 दिन बाद में मिले, और हो सकता है अक्टूबर के लास्ट वीक तक मिले। लेकिन अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट रहेगा, अक्टूबर के महीने में आपको इस भर्ती का मेरे दोस्त रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जिस भी अभ्यर्थी के 40+ नंबर बन रहे हैं तो वो अपनी आगे की तैयारी शुरू करें या फिर नहीं करें। तो मेरे दोस्त इस भर्ती में नंबर अभ्यर्थियों के बहुत कम बन रहे, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा खासा था, एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी काफी कम थी। तो मेरे दोस्त आप अपनी आगे की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आपका रिजल्ट जारी होगा उसके बाद में आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए टाइम बहुत कम मिलेगा। तो दोस्तों आगे की तैयारी में आप जुट जाएगा, अगर आपके 40+ नंबर बन रहे तो 40+ नंबर अगर आपके हैं तो आप आगे की तैयारी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।